पास दुबले पतले एक मामूली आदमी ने अकेले ही पूरी सरकार हिला डाली। अपनी 2 एकड़ जमीन बेचकर लगा दी सरकार के नीचे, मुख्यमंत्री की सांसें अटक गई और जो काम वर्षों से नहीं हो पा रहा था वो झटके में हो गया। कौन है ये आदमी जिसकी एक ललकार ने सरकार की बैंड बजा दी? ढांचे जैसा शरीर, चेहरे पर अमिताभ बच्चन जैसी दाढ़ी, पढ़ाई में बस 12वीं पास और कारनामा ऐसा कि बड़ी बड़ी सरकारें थर्रा उठे। इस आदमी का नाम है मनोज जरांगे पाटिल, जिसने महाराष्ट्र सरकार की ऐसी बैंड बजाई कि भाई पूछो मत। जो काम पिछले 10 सालों से नहीं हो रहा था वो 10 मिनट में हो गया और मुख्यमंत्री भी भीषण सर्दी में पसीना छोड़ गए। खैर, कौन है मनोज जरांगे और इन्होंने ऐसा क्या किया कि हर कोई इनके बारे में जानने को बेताब है? तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले करीब 10 सालों से हक की लड़ाई लड़ रहे हैं मनोज जरांगे। न सर्दी देखते हैं, न गर्मी, न सेहत का ख्याल, बस लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाना था। लेकिन अपने काम से सरकार के छक्के छुड़ा देंगे ये किसी को पता ना था। बता दे, मनोज बस 12वीं पास हैं, जीवन यापन के लिए पढ़ाई छोड़कर होटल में नौकरी करनी पड़ी। घर में माँ बाप, 3 भाई, पत्नी और 4 बच्चे, परिवार की आर्थिक स्थिति भी कुछ खास नहीं। लेकिन अचानक होटल की नौकरी छोड़ आंदोलन शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आंदोलन करने के लिए अपनी 2 एकड़ जमीन भी बेच दी, भूख हड़ताल तक की, जिस कारण परिवार को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। लेकिन दुनिया जानती है साफ, दिल से की गई मेहनत का फल मीठा होता है। यही हुआ इनके साथ। आंदोलन के आगे महाराष्ट्र सरकार को झुकना पड़ा और मनोज जरांगे की मांगे सीएम एकनाथ शिंदे को माननी ही पड़ी। बता दे, मनोज जरांगे पाटिल महाराष्ट्र के बीड जिले के गांव मोतारी में जन्मे थे। 2010 में 12वीं की, लेकिन पढ़ाई छोड़कर होटल में नौकरी करनी पड़ी। अचानक नौकरी छोड़ मराठा आंदोलन से जुड़ गए। 2014 से मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़े हैं। आंदोलन में सहयोग करने के लिए मराठा समुदाय के सशक्तिकरण के लिए शिवबा संगठन बनाया। कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन मांगे पूरी होती नहीं दिखी तो पार्टी छोड़ दी। मराठा आंदोलन इतना महत्वपूर्ण है कि मनोज जरांगे ने अपने परिवार को भी मुश्किलें सहते हुए आंदोलन में सहयोग करने को कहा। बता दें, मनोज मराठाओं के हक के लिए जान तक दे सकते हैं, लेकिन मराठा आरक्षण लेकर रहेंगे। अपनी राह पर आगे बढ़ते हुए मनोज ने 26 जनवरी को सड़कों पर उतरने का ऐलान किया तो महाराष्ट्र सरकार के छक्के छूट गए और 2.5 लाख मराठाओं के आजाद मैदान पहुंचने से पहले ही मनोज जरांगे की मांगे मान ली। मनोज जरांगे ने आरक्षण के लिए आंदोलन की ऐसी अलग जगाई कि सड़कों पर मराठाओं की आंधी देख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जरांगे से आंदोलन खत्म करने की अपील की। इतना ही नहीं, आंदोलन खत्म कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका तक दायर की, लेकिन कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी। उल्टा हाईकोर्ट ने शिंदे सरकार को ट्रैफिक बाधित नहीं होने देने का आदेश दे दिया और मजबूरन सरकार को मनोज जरांगे पाटिल की मांगे माननी पड़ी। खैर, मनोज आज मराठाओं के लिए वरदान साबित हुए।